अस्सलामु अलैकुम। गोल्ड की अपडेट के साथ हाजिर हूँ। अगर आप देखें तो गोल्ड में आपको एक अच्छी सेलिंग नज़र आ रही होगी। इसकी क्या वजह है वो मैं आपको बताता हूँ। इसकी वजह है, सुबह मैंने आपको हिंट दिया था कि जैसे ही डोवेस्टून अपनाई है बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया ने, उसके बाद एक सेलिंग नज़र आई हमें जो ऑस्ट्रेलिया की ट्रेजरी यील्ड्स हैं, और उसके बाद से अगर आप देखें तो जो US की 10-ईयर यील्ड्स हैं ये 1.34 के आसपास से ओपन होकर करंटली 1.366 के आसपास चल रही हैं। यानी कि एक अपसाइड आपको नज़र आ रहा है और इसी वजह से आपको गोल्ड में सेलिंग नज़र आ रही है। अगर आप डॉलर इंडेक्स में देखें तो उसमें इतनी तेज़ी नज़र नहीं आई, उससे पहले भी वो 9232 की हाई बना चुका है। लेकिन याद रहे, अगर ये मज़ीद अपसाइड पर जाती हैं तो ये डॉलर को भी अपने साथ लिफ्ट करेंगी। तो अगर दोनों पॉजिटिव होते हैं तो गोल्ड के लिए और ये एक नेगेटिव साइन होगा। अब हम चलते हैं जी गोल्ड चार्ट पर। तो ये है जी गोल्ड चार्ट मेरे सामने, 4 hour चार्ट है मेरे सामने मॉर्निंग में। और कल भी मैंने आपको बताया था कि अगर इस टॉप को हम निगलेक्ट कर दें तो हमारे पास एक ट्रिपल टॉप कंडीशंस हैं, जो कि एक बीरेस चार्ट फॉर्मेशन है। ऐसे ही आपको डेली चार्ट पर भी अगर आप देखें तो ये ऐसी ही कंडीशन आपको ट्रिपल टॉप की नज़र आएगी डेली चार्ट पर भी। तो एक ट्रेंड लाइन हमने लगाई थी सुबह, अगर आपको याद हो, यहाँ से ये, ठीक है जी। तो अगर आप देखें तो 4 hour चार्ट पर गोल्ड इसको ब्रेक कर चुका है बड़े अच्छे मार्जिन से। तो इस वजह से अब हमारा जो गोल्ड पर व्यू है वो नेगेटिव है। तो इमीडिएट सपोर्ट है 1810 की, एक क्रिटिकल सपोर्ट है। जैसे ही ये गोल्ड इसको ब्रेक करेगा तो गोल्ड अब जो हमारी अपडेटेड सपोर्ट है $1797 तक गोल्ड आ सकता है, ठीक हो गया जी। यानी कि नाउ आवर सपोर्ट इन गोल्ड इज 1797। अगर गोल्ड ने 1797 ब्रेक किया तो फिर गोल्ड में एक टेक्निकली ज़बरदस्त सेलिंग आएगी, जो गोल्ड को 1790, 1780 और 1770 तक भी लेकर जा सकती है। दूसरी साइड पर जो हमारे रेजिस्टेंस लेवल है वो फिलहाल मॉर्निंग वीडियो वाला ही वैल्यू है, रेजिस्टेंस लेवल वही है। तो मार्केट वोलेटाइल है तो इसलिए ख्याल कीजिएगा, ट्रेंड फिलहाल जो है वो इंट्राडे के लिहाज से गोल्ड का नेगेटिव हो चुका है। इसी के साथ साथ हम सिल्वर को देख लेते हैं। तो सिल्वर में भी सेम कंडीशंस हैं, 2430 के आसपास चल रही है। तो इसमें जो अब हमारी सपोर्ट रहेगी वो रहेगी $2405 की, और रेजिस्टेंस अभी हमारी मॉर्निंग वीडियो वाली ही वैलिड रहेगी। ट्रेंड इसका भी नेगेटिव है, ठीक हो गया जी। तो दोनों का ट्रेंड गोल्ड और सिल्वर का नेगेटिव है, तो ख्याल कीजिएगा। US बॉन्ड यील्ड्स पर नज़र रखिएगा, अगर वो मज़ीद अपसाइड पर जाती हैं तो गोल्ड में हमें मज़ीद डाउनसाइड नज़र आ सकता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। बाकी कोई अपडेट हुई तो मैं आपके साथ टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर शेयर कर दूंगा, उनका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है। शुक्रिया।